हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग आई एम बैंगलोर सीरीज 15th पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। और इसमें अब धीरे धीरे आप ध्यान रखना, जैसे जैसे कैट नज़दीक आ रहा है, हम लोगों ने एक ही पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी बढ़ा दिए ताकि जल्दी से हम लोग कवर कर दें, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये पार्ट, अगर आपने सब अच्छे से देख लिया डेफिनेटली आपके परसेंटाइल कैट में अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। लाइक शुरुआत के पार्ट्स में देखना हम लोग 6, 7, 8 क्वेश्चंस ही करते थे, अब आज के पार्ट में हम लोग 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो ज़्यादा आपका समय ख़राब नहीं करूँगा, आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, चलो शुरू कर देते हैं। लेट सी बी ए सर्कल विथ सेंटर पी ओ, ठीक है। एक अपन सर्कल बना लेते हैं, है ना, इसका सेंटर बोल देते हैं पी ओ, ये, ठीक है। एंड ए बी बी अ डायमीटर ऑफ सी, ठीक है। एक डायमीटर इसमें बना लेते हैं ए बी। इसमें क्या डायग्राम बनाना एग्जैक्ट बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्ट मतलब जितना हो पाए, बाकी नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया डायमीटर ए बी। सपोज पी वन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी ओ बी, इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये पी ओ और ये बी। अच्छा देखो रेडियस हम में बोल देता हूँ आर है ना, कहीं दिया हुआ है क्या डायमीटर, ठीक है। रेडियस क्या है आर, ध्यान से देखते आना ये पी, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं लोग पी वन, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आ बाय टू, है ना, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक पी वन बी की भी आर बाय टू, ठीक है। पी टू इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी आर बाय फोर और ये डिस्टेंस भी आर बाय फोर, है ना, ये बी तक की। एंड सो ऑन, लेट सी वन सी टू सी थ्री बी सर्कल्स विद डायमीटर पी जीरो पी वन। अब देखो ध्यान से, अब हमें सर्कल बनाने जिनका डायमीटर क्या हो पी जीरो पी वन, एक ये हो, मैं तो अच्छे से बना लेते हैं पी वन पी टू, एक सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर क्या हो पी वन पी टू, इस टाइप का कुछ बनेगा, है ना। देन इसका भी मिड पॉइंट एक बनाए, तो P2 P3 क्या एक इधर मान लो P3 होता, है ना, तो एक वो सर्कल क्या बन जाता, इन्हें बहुत छोटे छोटे साइज के होते जाएंगे अगर आप ध्यान से देखो तो, ये चुन्नू सा एक, ठीक है, और भी छोटे 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 होते जाएंगे, ठीक है। सपोज सर्कल C1 C2 C3 ऑल शेडेड, इन सबको हम लोग शेडेड कर देते हैं, मतलब ये है ना, मैं जबरन आपको बहुत अच्छा अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश में कर रहा हूँ, एग्जाम में इतना टाइम मत लगाना, ठीक है, खट खट कर लेना, है ना, वो तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बनाने में मज़ा आती इस टाइप के, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये शेडेड कर दिया इनको, इसमें तो एक ही लाइन से काम हो जाएगा और आगे से और भी शेडेड रहेंगे एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है। अब क्या पूछा है, देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन टू ओरिजिनल सर्कल, ठीक है। देखो ओरिजिनल तो पाई आर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो इस वाले सर्कल का, ये सर्कल वन जो है इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई, अच्छा डायमीटर है आर बाय टू, ध्यान रखना डायमीटर है आर बाय टू, तो रेडियस क्या होगी आर बाय फोर, तो पाई आर बाय फोर का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसका डायमीटर है आर बाय फोर यानी रेडियस होगी आर बाय एट सेकेंड वाले की, तो पाए आर बाय एट का स्क्वायर। अब देखो इसका डायमीटर है आर बाय फोर का भी आधा आर बाय एट, तो रेडियस आर बाय सिक्सटीन हो जाएगी आर बाय सिक्सटीन का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो कॉमन निकाल लेते हैं पाए आर स्क्वायर सब में से आ गया अपॉन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, है ना, तो अंदर क्या था वन प्लस वन बाय टू का स्क्वायर फोर, है ना,
16 एंड सो ऑन, ये सब बचा। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, तो पाई आर स्क्वायर बाय 16, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है 1/4, है ना, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 16, है ना, 1 माइनस 1/4 3/4, है ना, तो पाई आर स्क्वायर बाय 12, ये एरिया आ गया पूरे शेडेड वालों का, है ना। क्या पूछा था, देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, अनशेडेड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो, तो 11/12 पाई आर स्क्वायर अपॉन टोटल पूछा था, पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 11/12 बचेगा, ऑप्शन डी था ना। अच्छा मजेदार क्वेश्चन, ठीक। अगला, कंसिडर द सिक्वेंस ऑफ नंबर ए वन ए टू ए थ्री अप टू इन्फिनिटी, ए वन दिया हुआ है, ए टू दिया हुआ है, ए जे दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ए जे दिया हुआ है, ए ऑफ जे माइनस वन माइनस ए ऑफ जे माइनस टू, इसका मतलब है प्रीवियस दो टर्म का डिफरेंस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक है। ए वन, अब देखो स्मार्टनेस वाला तरीका बताता हूँ, ए वन को आप मान लो एक्स, ए टू को आप मान लो इसमें माइनस में, तो चलो माइनस वाई मान लेते हैं, तो a3 क्या हो जाएगा, पहले लिख के दे रहा हूँ, a2 माइनस a1, है ना, j की जगह 3 रख दो तो a2 माइनस a1 आएगा, तो a3 को मैं क्या लिख दूँ, a2 टू इन माइनस वाई माइनस एक्स, ए फोर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते आना, ये माइनस इसकी प्रीवियस टर्म, ठीक है। अच्छा ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि एक सिक्वेंस में लिख दूँ, ए वन इज इक्वल टू एक्स, ए टू इज इक्वल टू माइनस वाई, ए थ्री हो गया ए फोर, ये माइनस, ये माइनस वाई से माइनस वाई कैंसिल, क्या बचा माइनस एक्स, ए फाइव इज इक्वल टू ये माइनस, ये माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ वाई, है ना, ए सिक्स इज इक्वल टू वाई माइनस ऑफ माइनस इन वाई प्लस एक्स, ए सेवन इज इक्वल टू ये वाई से वाई कैंसिल बचा एक्स, देखो ए वन भी एक्स था, ए सेवन भी एक्स आ गया, ए एट देख लेते हैं क्या आ रहा है, x में से x गया बचा माइनस में y, देखो अब रिपीटेशन चालू हो गया, ए सेवन एट, इन्हें आगे लिखने की जरूरत नहीं है, अब सम्मीशन बताना है 6002 टर्म्स तक का, ठीक है। देखो रिपीटेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जीरो तो हो रहा होगा सम्मीशन, देख लेते हैं कब हो रहा है, ए सेवन से हो रहा है, मतलब ए सिक्स तक का सम्मीशन जीरो होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, देखो एक बार x से ये एक बार x कैंसिल, ये माइनस वाई से ये प्लस वाई कैंसिल, ये माइनस वाई से ये प्लस वाई कैंसिल, ये एक्स से ये एक्स, सब कुछ कैंसिल बचा जीरो, इन्हें हर सिक्स सिक्स के पेयर में जीरो आएगा। अब 6000 अगर देखता तो ये तो सिक्स सिक्स का मल्टीपल हो जाएगा, तो समीशन फर्स्ट 6000 टर्म का तो जीरो आ जाएगा, अगली दो टर्म क्या होंगी x और माइनस y, तो फाइनली मुझे x माइनस y बताना है, 6002 तक का समीशन देखना था अगर, तो x हमने ए वन था जो कि क्या 81.33, है ना, माइनस वाई, माइनस वाई इधर माइनस 19 ही, तो आंसर क्या हो जाएगा 81 में से 20 माइनस कर दो 61, प्लस 1 कर दो 62, ऑप्शन सी, सिंपल था, देखो कितना आसान तरीके समझा दिया आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज के, काफी मजा आ जाएगी। अ स्प्रिंटर स्टार्ट्स रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, हर एवरेज स्पीड मीटर पर मिनट में दी हुई है, पाई आर ड्यूरिंग फर्स्ट 30 सेकेंड, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी कवर की, डी वन बोलूँ तो पाई आर इंटू 1/2 इन पाई आर बाई टू, सेकेंड डिस्टेंस पाई आर बाई टू इंटू 1 इन पाई आर बाई टू, थर्ड डिस्टेंस पाई आर बाय फोर इंटू टू, ये भी पाई आर बाय टू आ जाएगा, डी फोर भी देख लेते हैं, डिस्टेंस फोर पाई आर बाय एट इंटू फोर, ये भी पाई आर बाय टू हो गया, तो ये तो टू पाई आर हो गया, चार डिस्टेंस मिला के एक पूरा सर्कमफेरेंस हो गया, आगे एक राउंड में ये लगा। अच्छा ध्यान से देखना, बहुत ईजी तरीके से बता देता हूँ, पहले इसने एक राउंड में कितना टाइम लग रहा है, पहले 1/2 फिर 1 फिर 2 फिर 4, इसमें एक राउंड लगा था, नेक्स्ट राउंड इसका डबल होगा, यानी 8 16 32 और 64, अब nth राउंड अपॉन उसका प्रीवियस पूछा है, मैं इन्हीं को करके देख लेता हूँ, क्यों मैं आगे तक जाऊँ, तो इनका समीशन देख लूँ कितना होगा,
120 अपॉन ये कितना था 7.5, 7.5 को ऐसे लिख दो, बस यही आंसर होगा। सिक्सटीन रेशो वन ऑप्शन सी, देखो कितने आसान तरीके से कर लिया। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस पार्ट में, काफी मजा आ रही होगी आपको। देखो ठीक है चलो कर दें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉग ले लो क्योंकि लॉग में क्वेश्चन है, तो लॉग एक्स यू लॉग एक्स इज इक्वल टू 256, क्या होता है 2 to the power 8, नहीं 8 log 2 लिख देता हूँ है ना, तो u की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, u इज इक्वल टू 8 upon log x हो जाएगा, और इसके अपॉन में log 2 कर दिया तो ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि सब ऐसे ही थे ना। अब log ऑफ बेस 2x को मैं t एज्यूम कर लेता हूँ ताकि बार बार इतना ज़्यादा मुझे लिखना ना पड़े, तो u इज इक्वल टू 8 upon t इज इक्वल टू t² - 6t + 12, और अच्छे से सॉल्व कर लूँ तो t³ - 6t² + 12t - 8 = 0। ये तो a - b³ दिख रहा है, इसको ऐसे लिख दो t - 2³। चेक कर लेते हैं, a³ (t³) - b³, ये -b³ - 3a²(b), 3 × 2 = 6, ये भी सही है, +3ab² 4 × 3 = 12, ये भी सही है, सही किया, = 0, यानी t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है t की वैल्यू 2 आ गई, अब यहाँ पे रख दो तो log ऑफ बेस 2x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 to the power 2 मीन्स 4। ठीक है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ऑप्शन बी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा है ना। और अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना है कि क्वेश्चन नंबर 5 and 6, f(1x) बोल रहा है 0 से 1 अगर x है तो x रहेगा, ग्रेटर देन 1 है तो 1 रहेगा ठीक है, अदरवाइज 0। f(2x) f(1-x) f(1-x) f(3x) क्या हो जाएगा f(2x) में नेगेटिव साइन लेंगे, f(4x) क्या हो जाएगा f(3-x) ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नेसेसरली 0 for every x, पहला ही है f(1x) × f(2x), देखो f(1x) × f(2x) की जगह क्या लिख दो f(1-x) ठीक है। अब f(1x) × f(1-x) आ गया है ठीक है। अब देखो x अगर 0 से 1 के बीच में रहा तो x हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा, माइनस अदरवाइज 0 में चले जाएगा और 0 हो जाएगा, तो 0 से 1 में तो 0 आ रहा है ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 लेता हूँ तो ये देखो ये माइनस में आ जाएगा, फिर से 0 होगा, फिर 0 हो जाएगा है ना, और नेगेटिव लेता तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता तो भी 0 होता, मतलब ये तो 0 देगा। अब f(2 × f(3) देख लेते हैं, f(2) यानी क्या है f(1-x) × f(3) क्या है -f(2x), अब माइनस आ गया f(1-x) × f(2) की जगह के लिए तो f(1-x), ये तो f(1-x) का स्क्वायर हो गया है ना, तो ये तो 1 भी हो सकता है उसका, ये 0 नहीं होगा है ना, एवरी एक्स में 0 नहीं होगा। f(2 × f(4), अच्छा f(2) क्या है f(1-x) × f(4) क्या है f(3-x) ठीक। अब फिर से f(1-x), अब f(3-x) क्या हो जाएगा -f(2-x) ठीक। अब f(2-x) क्या हो जाएगा f(1x), तो माइनस में f(1-x) × f(1x), ये तो f(1x) यही चीज आ गई है ना, ये 0 पॉज हो रही थी तो ये भी 0 होगा, तो ये भी 0 होगा, तो इन 3 में से 2 0 होंगे ऑप्शन सी ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए जगह बना लेते हैं यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़े थोड़े टाइम टेकिंग है थोड़े से, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं ठीक है। और हाँ वीडियो अभी तक सुन रहे हो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगले साल वीडियो किसी को भी कोर्स परचेस करना हो ना कैट का, हमारा ही सजेशन करना है। f(4x) = f(1x) है क्या, अभी अपन ने चेक किया था, नहीं था ये तो माइनस में आ रहा था है ना, फिर से चेक करवा देता हूँ, f(4) क्या है f(3-x)
और एफ थ्री ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में एफ टू ऑफ माइनस एक्स, और एफ टू ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ वन ऑफ एक्स, तो माइनस में एफ वन ऑफ एक्स आ रहा है ना। तो करेक्ट कर लो, अगर और भी क्वेश्चन होंगे तो ऐसा होगा। बी ऑप्शन, एफ वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ थ्री ऑफ माइनस एक्स में माइनस का साइन। एफ थ्री ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ थ्री ऑफ माइनस एक्स देखो माइनस के साइन के साथ है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एफ टू ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ टू ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ वन ऑफ माइनस माइनस प्लस एक्स, ये एफ वन एक्स के इक्वल आ गया, मतलब सेकंड सही है। अब सेकंड सही है तो हम सी ओ डी क्यों चेक करें, ठीक है, इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं। डी तो देखो वैसे ही गलत था, सी और चेक करके गलत कर देना बाद में। ठीक है, सेवन्थ, इफ द लेंथ ऑफ डायगनल्स डी एफ ए जी सी ई, डी एफ ए जी, देखो एक्सट्रीम कॉर्नर है ना, डायगनल होते हैं, स्क्वायर क्यूब की साइड ए मान ले तो डायगनल क्या होंगे, ए रूट थ्री। ठीक है, थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसकी साइड क्या होगी, ए रूट थ्री। रेडियस ऑफ सर्कल सरक्यूमस्क्राइबिंग दैट ट्रायंगल, कैपिटल आर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, साइड बाय रूट थ्री है ना, साइड क्या है इस केस में, ए रूट थ्री बाय रूट थ्री, इससे तो कैंसिल हो गया, बचा क्या ए, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू ए आ गया, मतलब इसकी तो कैपिटल आर क्यूब की साइड के इक्वल है, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में टफ लगते हैं, इतने टफ होते नहीं है। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे जितने भी लोग वीडियो फॉलो करते हैं या वीडियो कोर्स वाले बच्चे ओरल कर लिया होगा ये क्वेश्चन। देखो थ्री रो हैं, कॉलम कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव प्लस थ्री का फैक्टोरियल डिवाइड बाय फाइव फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, एट सेवन सा 56। ठीक है, नाइन्थ, ऑन अ सेमी सर्कल डायमीटर ए डी, ए डी डायमीटर है, कॉर्ड बी सी पैरेलल है डायमीटर के, ईच कॉर्ड ए बी सी डी की लेंथ टू है, ये भी टू और ये भी टू। ठीक है, वाइल द ए डी हैज लेंथ एट, इसकी लेंथ है एट है ना। देखो एक अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो एसी की लेंथ क्या हो जाएगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि डायमीटर से है ना, 64 माइनस 4 रूट 60, ठीक है, लेंथ ऑफ बीसी बतानी है। ठीक, एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ट्रेपेजियम है, डायगनल के स्क्वायर का समीशन है ना, इन्हें 60 और 60 120, हाँ दूसरा डायगनल भी रूट 60 होगा, इज इक्वल टू इनके स्क्वायर का समीशन, इन्हें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ 8 इंटू बी सी, ये कितना हो जाएगा 112 बाय 2 बाय 8 इज इक्वल टू बी सी, बी सी की वैल्यू 7। ये फॉर्मूला अगर याद होता तो आपसे एक सेकंड में आंसर आ जाता, नहीं तो आपको पाइथागोरस और ये सब लगा के जबरन को इस क्वेश्चन को लेंथी बनाते। ठीक है, क्या होता है देख लो, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी इंटू बी सी। ठीक है, चलो अगला, टेंथ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बनने चाहिए। ठीक है, चलो ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये पूरा आर रूट टू होगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक है ना, इतना समझ में आ गया। अब देखना ये जो आर रूट टू होगा ये किसके इक्वल होगा, इसकी रेडियस एक्स तो ये भी एक्स, तो इतना एक्स रूट टू और इतना एक्स, तो प्लस एक्स कर दो इतना आ गया, और प्लस आर कर दो, तो देखो
एक्स रूट टू प्लस एक्स प्लस ये आर है ना इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहाँ से इतना हो गया जो कि अभी मैंने क्या कहा आर रूट टू है। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है तो याद कर लो x इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आर इंटू रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन। और अगर रेशनलाइज करके याद करना है तो याद कर लो x इज इक्वल टू क्या होता है आर इंटू थ्री माइनस टू रूट टू। अब r जो भी दिया रहेगा वो आप रख दोगे, टू दिया हुआ है तो थ्री टू जो सिक्स माइनस फोर रूट टू ऑप्शन डी। या डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है तो ये भी याद कर लो, डेरिवेशन के साथ ही मैंने करा दिया, अब चॉइस इज योर्स। इलेवंथ इन दैट जॉइनिंग, ये आप ओरल कर सकते हो क्वेश्चन, ज़्यादा दम नहीं है इसमें। देखो अगर आप इससे इसको मिला दो, हल्का सा एक आध लाइन खींचनी होती, देखो ये रेडियस है ये भी रेडियस है मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे है ना। अब ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइन थी, ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन थी ठीक है। और यही एंगल पूछा है डी ई सी, मतलब बेसिकली ये निकालना है ठीक है। अच्छा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो सर्कमफेरेंस का डबल होगा 65 टू जा 130। अच्छा ये एक जो ट्रायंगल है इसमें तीनों एंगल का समीशन 180 होगा जिसमें से 130 तो आ चुका है, बचा क्या 50, दोनों इक्वल होंगे 25 25 के, तो ये भी 25 ये भी 25। अच्छा कमेंट सेक्शन में ये बताओ मैंने ये क्यों बोला कि दोनों इक्वल होंगे ठीक है। देखें तो आप अभी तक वीडियो सुन रहे हो कि नहीं, चलो कमेंट में बताना दोनों एंगल मैंने इक्वल क्या बोले थे, ये आंसर क्या हो जाएगा 25 डिग्री ऑप्शन डी ठीक है। अगला 12th and 13th, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखना, आज के पार्ट में सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। इन एन एग्जामिनेशन देर आर 100 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 100। ईच ग्रुप कंटेंस एट लीस्ट वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इन ग्रुप कैरी वन मार्क, इन ग्रुप ए कैरी वन मार्क बी टू, अच्छा ये वन का है ये टू मार्क का है हर क्वेश्चन और ये थ्री मार्क्स का है। इट इज नोन दैट द क्वेश्चन इन ग्रुप ए टूगेदर कैरी एट लीस्ट 60% ऑफ टोटल मार्क्स, अच्छा इसके कम से कम 60% तो होंगे ही होंगे, चलो ध्यान रखेंगे। अब बोला ग्रुप बी में अगर 23 क्वेश्चन हैं तो सी में कितने होंगे ठीक है, देखो इधर ही कर लेते हैं सामने सामने। देखो ए प्लस बी प्लस सी मुझे पता है क्या है 100, और ये वन मार्क का ये टू का ये थ्री का है और इसमें 60% होना चाहिए एटलीस्ट, बी में 23 है। अच्छा देखना ए बी सी इसमें 23 है तो ए और सी में कितने होंगे अब क्वेश्चन 77 है ना ठीक है। अच्छा मार्क्स इसके 46 हो जाएंगे है ना, डबल हो रहा है। अच्छा ऑप्शन से अगर ध्यान दो तो 1 2 3 के आसपास ही है और मिनिमम एक क्वेश्चन तो देना ही है। अच्छा इसमें अगर 1 दिया तो इसको मुझे 76 मार्क्स देने पड़ेंगे, ऐसे 23 46, इसको अगर 2 दिया तो इसको 75 करना पड़ेगा। अच्छा मार्क्स इसके 76 हो जाएंगे, इसके मार्क्स 1 3 3 हो जाएंगे, टोटल मार्क्स कितने हो गए 110 और 12 22 और 3 125 मार्क्स हो गए। ठीक है ऐसे ही 2 होंगे तो इसमें 6 मार्क्स हो जाएंगे, उसके 75 होंगे, ये टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 2 से इंक्रीज हो रहा था ठीक है। अच्छा देखो 125, अच्छा 60% ग्रुप ए के होने चाहिए टोटल मार्क्स, तो 125 का 60% अगर मैं लूँ 3/5 कितना आ रहा है 75, ये 75 से ज़्यादा ही है मतलब ये कंडीशन तो चलो सेटिस्फाई कर दी, लेकिन जैसे ही मैंने बढ़ा दिया अब देखो ये बढ़ गया मतलब इसका 60% भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो कम हो गया है ना, तो 75 से और ज़्यादा होने चाहिए थे कम हो गए मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आगे सी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ग्रुप ए में एटलीस्ट जो 60% की कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी ग्रुप सी में एक ही क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, था ना दिमाग वाला क्वेश्चन। अगला
अब बोल रहे हैं कि सी में 8 क्वेश्चंस हैं, तो देखो अब ए प्लस बी में कितने हो जाएंगे, 92। अच्छा सी में 8 है, ए बी इस बार ऐसे लिख रहा हूँ, चलो सी में अगर 8 है तो इसके मार्क्स कितने हो गए, 24 है ना। और बी में बोल रहे हैं एटलीस्ट 20% मार्क्स तो होने चाहिए, ठीक है। अब बी में कितने क्वेश्चन होंगे, अच्छा ये चीज़ हो गई। अच्छा अब अगर ऑप्शन से करें तो 2 बार 12 है, 2 बार 13 है, 2 बार 14 है, तो एक बार मैं 12 लेता हूँ, क्योंकि अगर 12 आ गया तो फिर मैं ए और बी ही चेक करूँगा, ठीक है। और 12 अगर नहीं आया तो मेरे ए और बी दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर मैं इन दोनों में से एक चेक करूँगा, जिसन में ऐसे एग्जाम में किया जाता है, ध्यान रखना। तो पहले 12 ले लेता हूँ, बी में अगर 12 क्वेश्चन हैं तो 24 मार्क्स का हो जाएगा, और 12 है तो ए में फिर अब बचे 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स। तो देख लेते हैं टोटल मार्क्स कितने हो गए, 128। अच्छा 128 का पहले मैं 60% देख लूं, 25 पॉइंट समथिंग आएगा, 25 पॉइंट, ये 76.8, इससे ज़्यादा है, ए वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि ये होना चाहिए बी के कम से कम 20%, 20% तो 1/5 होगा 25.6, लेकिन ये तो 25.6 से कम है, तो गड़बड़ हो गई, मतलब 12 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, 12 नहीं होंगे मतलब ए ऑप्शन भी गया, बी भी गया। अब देखो 14 चेक करने की गलती भी मत करना, क्योंकि 14 चेक करके आप क्या कर लोगे, सी ओ डी दोनों मैच कर जाएंगे। आप 13 कर लो, 13 चेक करने, मान लो 13 पे सेटिस्फाई हो गया तो मैं सी लगा दूंगा, और 13 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं डी लगा दूंगा, ठीक है। तो बी में मान लो 13 क्वेश्चन है तो मार्क्स कितने हो गए, 26, ये तो 24 ही था। अच्छा इसमें 13 हो गए तो इसमें 79 हो जाएंगे, है ना, मार्क्स भी 79, 129, पहले 129 का 1/5 ले लो, क्या आ जाएगा, 25.8 है ना, 25.8 से ज़्यादा है 26, मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, है ना। इनटू 1/5 हो गया, 3/5 तो देख लो, तो ये वाली कंडीशन भी, ए वाली भी फुलफिल करने की देख लेते हैं, 77.4 से ज़्यादा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो 13 में दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। इस तरीके से लगाया जाता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ना आज काफ़ी, रिमाइंडर देखो भाई, चलो एक आध तो ईजी आया, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन लिख लो, कंप्लीटली डिवाइड डिविजिबल बाय ए प्लस बी इफ एन इज ऑड, ठीक है। तो एन ऑड है यानी ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, 23 और 15 क्या होता है, 38, 38 19 से डिवाइड हो जाता है ना, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमाइंडर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर जीरो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा इजी है, तो अ न्यू फ्लैग इज टू बी डिजाइन विद 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स, वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यूजिंग सम और ऑल द कलर्स येलो ग्रीन ब्लू रेड, टोटल 4 कलर है ना, येलो ग्रीन ब्लू रेड, 4 कलर्स हैं। द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप हैव द सेम कलर, देखो मान लो यहाँ पे 4 कलर कुछ भी आ सकते थे, अब जो एक इधर आ गया होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, कोई भी 3 आ सकते थे, है ना। जैसे मान लो इधर आ गया येलो, है ना, तो यहाँ पे अब येलो नहीं आएगा, येलो के अलावा कोई भी ग्रीन ब्लू रेड में से ले लो, अपने पास इसी टाइप के हैं, अच्छा एकदम रेड ही लेना, चलो रेड ले लिया, ये रेड ले लिया। अब अगले में देखो रेड को छोड़ के बचे हुए 3 आ सकते हैं, है ना, येलो रिपीट भी हो सकता है। अब तो देखो आगे सबके अब 3-3 केस ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे येलो आ गया होगा या कुछ भी, वो छोड़ के बाकी 3 इधर आ जाएंगे,
तो ऐसे 3 3 चलते आएगा, तो 4 × 3⁻¹, 1, 2, 3, 4, 5 ये आंसर है। एग्जैक्ट ऐसा दिख नहीं रहा, 1 3 कम कर दो, 4 3 = 12, 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, ये देखो दिख रहा है, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अभी तक मेरी बातें सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, दूसरे लोगों की भी हेल्प करो, हमारी भी हेल्प करो, ब्रांड बनाने में बहुत कुछ करो, कैट में अच्छे परसेंटाइल लाओ ताकि हमारा नाम रोशन करो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।